दोस्तों, कोई कहता है जंगल का राजा शेर को होना चाहिए था, और कोई कहता है जंगल का राजा बाघ को होना चाहिए था, और कोई कहता है जंगल का राजा चीता को होना चाहिए था। लेकिन सवाल अब ये आता है कि आखिर जंगल का राजा किसको होना चाहिए था। चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखो दोस्तों, जंगल के राजा की सही पहचान करने के लिए हमें इसकी ताकत के साथ साथ हंटिंग स्किल के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीता की। जैसे कि हम जानते हैं कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये अपने बेशुमार दौड़ के कारण किसी भी जानवर को मारकर खा सकता है। वहीं अगर बाघ की बात की जाए तो जंगल में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और मौका मिलते ही अपने मजबूत जबड़े से पकड़ लेते हैं। और अगर शेर की बात की जाए तो जंगल में कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि शेर की दहाड़ का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही शेर जब भी किसी भी जीव को निशाना बनाता है तो वो अपने शिकार बनाता है और अपने मजबूत जबड़ों से जकड़कर पकड़ता है, जिससे शिकार वहीं दम तोड़ देता है। इसलिए शेर को जंगल का राजा माना जाता है। वैसे आप जंगल का राजा किसको मानते हैं, शेर या टाइगर या चीता? कमेंट में जरूर बताएं।